हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन फ्रॉड किस तरह से हो रहा है गाइस, किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाते हैं यार। कभी केबीसी के नाम पर, कभी फोन पे आपको ऑफर लगा है, लॉटरी लगी है, तो गाइस केबीसी के नाम पर 25 लाख की लॉटरी लगी है। कुछ इस तरह से आपके पास कॉल आते हैं बहुत सारे, अभी कॉल नहीं आती है, अभी ये मैसेज भेजते हैं, क्योंकि कॉल में सारे लोगों को, बहुत से ज़्यादातर लोगों को पता ही चल गया है कि ये फ्रॉड कॉल है। अभी ये व्हाट्सअप करते हैं, जिनको नहीं पता रहता तो वो उनके पास रिटर्न कॉल करते हैं, समझ जाते हैं कि इसको पता नहीं है तभी कॉल आया है। तो गाइस उसको इस तरह से चूतिया बनाते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, कुछ इस नंबर से आया है व्हाट्सअप पे मैसेज मेरे, तो ये नंबर जो व्हाट्सअप पे आया, ये भी नंबर नहीं लगेगा आप लगाएंगे तो। इसके अंदर क्लिक करते हैं तो गाइस कुछ इस तरह से ये मैसेज आया, देख सकते हैं केबीसी के नाम पर दिखाया गया कि 25 लाख की लॉटरी लगी है, ये हमारा लॉटरी का नंबर है। और ये एक ऑडियो भी भेजते हैं कि आपको कैसे करना है, कैसे बात करना है, व्हाट्सअप कॉल ही लगेगा और वैसे कॉल लगेगा नहीं, क्योंकि गाइस ये इनकी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए, तो इस तरह से ये काम करते हैं। तो चलिए मैं इसको पहले ऑडियो सुनाता हूँ आपको। नमस्कार सर, सर मैं केबीसी से बात कर रहा हूँ, कस्टमर ऑफिसर राजेश शर्मा मुंबई से। सर आपके लिए इन्फॉर्मेशन, गुड न्यूज़ जानकारी है। सर आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो, जिस नंबर का आपके पास व्हाट्सअप चल रहा है, सर हमारी कंपनी की तरफ से आपके इसी व्हाट्सअप नंबर पे 25 लाख रुपए की सर आपकी लॉटरी निकली है। सर आपको और आपकी फैमिली को केबीसी से कांग्रेचुलेशन, वादाई पेश करते हैं। सर मैं आपको बता दूं कि आपके इस नंबर पे लॉटरी कहां से और कैसे लगी है। हमारी कंपनी की तरफ से 5000 नंबरों का पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल और जियो कंपनी, 5000 नंबरों में से कंपनी ने आपका नंबर चुना है, जिस नंबर का आप व्हाट्सअप चला रहे हो। आपके इसी नंबर पे 25 लाख रुपए की लॉटरी है। सर मैं आपको बता दूं ये लॉटरी आपको कहां से और कैसे रिसीव होगी। सर मैंने आपकी व्हाट्सअप पे लॉटरी की कुछ डिटेल्स वगैरह भेजी है, डिटेल्स के अंदर एक मैनेजर का नंबर है। सर आपने उस नंबर को अपने मोबाइल के अंदर सेव करना है, सेव करने के बाद आपने उस नंबर पर व्हाट्सअप कॉल करनी है। अगर आप उस नंबर पर नॉर्मल सिम कॉल करोगे तो सर आपकी सिम कॉल नहीं होगी, आपकी उस नंबर पे फाइनली व्हाट्सएप कॉल होगी। जैसे आप मैनेजर को व्हाट्सएप कॉल करोगे तो मैनेजर आपसे आपकी लॉटरी का नंबर पूछेंगे। तो सर इस चेक लेटर के अंदर आपका लॉटरी का नंबर भी दिया हुआ है, आपने उनको अपना लॉटरी नंबर बताना है, बाकी की जो भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन है आपको वहीं से दी जाएगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, आप इनसे बात कीजिए, बाकी की जो भी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। थैंक यू सर। देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक ऑडियो भी भेज देते हैं कि आप जो नया रहता है वो समझ जाता है शायद मेरी लॉटरी लग गई है। चलिए हम जो नंबर हमने सेव किया वो दिखाते हैं, हमने फ्रॉड कॉल से सेव किया है और यहाँ पर हम इसके पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं गाइस ये कुछ लगा है, यहाँ पर स्टेट बैंक लिखा है और नीचे देख सकते हैं राणा प्रताप सिंह जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर इसमें लिखा हुआ है। चलिए इसके पास कॉल करते हैं, अभी देखते हैं क्या बोलता है। ये सब एडिट किया हुआ रहता है, सब पूरा एडिट करके ये लोग लगा देते हैं इसे। हेलो नमस्ते सर। यस नमस्ते सर, मेरे मोबाइल पर ये लॉटरी लगी है केबीसी की। ओके सर, ठीक है सर, मेरे पास केबीसी की ओर से 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक लॉटरी के नंबर चेक आए हैं। सर अपने लॉटरी का नंबर बताएं, लॉटरी का नंबर क्या मिला आपको, इनाम लिस्ट में लॉटरी का नंबर चेक किया जाएगा सर आपका। जी तो ये लॉटरी का नंबर है सर 7714। 7714। ओके सर, मैं इनामी लिस्ट में लॉटरी का नंबर चेक कर रहा हूँ, 5 मिनट के बाद बैक कॉल कर लो। ओके 5 मिनट के बाद दोबारा कॉल करूँगा। हाँ बैक कॉल कर लो मेरे को, ठीक है 5 मिनट के बाद कॉल करो, मैं सिस्टम में चेक कर रहा हूँ। ओके जी 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 ओके सर, इसलिए कॉल काट दिया है ताकि आपको लगे कि वाकई में सही है, चेक कर रहा है वहाँ पर, इसको सारा कुछ पता है इसी। गाइस चलिए 5 मिनट हो गए, फिर से हम इसको फ़ोन लगाते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर के। हेलो जी सर। यस सर, मैंने आपका ऑर्डर का नंबर चेक किया सर। हाँ जी, आपके जो है सर नंबर का चेक पहुंचा मेरे पास 25 लाख का सर। जी सर, आपको वेरी वेरी हैप्पी, कांग्रेचुलेशन सर, आपको वेलकम करता हूँ केबीसी में, केबीसी की ओर से आप फैमिली को बधाई पेश करता हूँ सर आपको। जी ये सर इतना ज्यादा पैसा कैसे मिलेगा सर, कैश मिलेगा क्या सर? आप कैश लोगे कैश मिल जाएगा, अगर अपने खाते में लोगे खाता में आपको पैसा ट्रांसफर हो जाएगा सर। सर ज्यादा पैसा किसी को सरकार को पता चल गया तो फिर ज्यादा नहीं है सर, कैसे क्या होगा इसमें समझ नहीं आ रहा है,
पुलिस आ जाएगी घर पे सर, इतना कोई पैसा। दिक्कत नहीं होगा सर, आपको पूरा प्रूफ मिलेगा, आपके फाइलें आपको मिलेगी, आपको डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, हर चीज आपको मिलेगा, ठीक है। टैक्स वैक्स भरना पड़ेगा फिर सर, इतना पैसा अगर आ गया अचानक से, कैसा करेंगे? सर नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, ऐसे ही कोई बात नहीं होती है, ठीक है। जी आप अपना खाता सेंड करो, बैंक अकाउंट और आपका नाम और आपका फोटो, ठीक है, अच्छा। आपकी फाइल के ऊपर लगेगा, आपको डॉक्यूमेंट मिलेगी, हर चीज मिलेगा, आपको किसी बात का टेंशन दिक्कत नहीं होगा। कब मिलेगा सर ये? अभी सर आपका फाइल रेडी हो रहा है, अभी आपका जो नंबर है सर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, अभी आपका केबीसी में आपका नंबर अभी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, अभी आपका काम रेडी होगा, अभी आपके खाते में पैसा लगा के आपको चेक करवाया जाएगा। अभी लगा दीजिए फिर सर। ओके, आपका नाम, आपका खाता नंबर और आपका फोटो, ठीक है, सेंड करो मेरे को। अच्छा, मैं आपको साबित सही साबित करने के लिए उसने एक तुरंत फिर वीडियो भेज दिया है, चेक का भेजा है 25 लाख, क्योंकि जो ग्राहक है कस्टमर वो अच्छे से चूतिया बन जाए और उसको वो अकाउंट नंबर सब डिटेल पूरी भेजे और पैसा भी ट्रांसफर करे। भी दिखा देता हूँ आपको ये वीडियो, ये देखिए सर, आपको दिखा रहे हैं कि ये ऑफिस है, ये आपका चेक है, ये देख सकते हैं 25 लाख रुपए का नजर आ रहा है, ठीक है, केबीसी का, और बिल्कुल आपको यकीन हो जाए कि सच में हमारी लॉटरी लगी है। ऐसे डायरेक्ट कॉल करेंगे तो नहीं लगेगा, देख सकते हैं। अभी हम डायरेक्ट कॉल करके आपको दिखा देते हैं, ये लगाया कॉल। यू आर नॉट डायलिंग अ वैलिड नंबर, प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। क्या बोलेंगे, उसका अकाउंट नहीं है, फोन पे गूगल पे करवा दीजिए, देखते हैं क्या बोलते हैं। अदर कॉल बिजी है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों को चूतिया बनाते हैं लोग, अभी बिजी है, उनका काम ही यही होता पूरे दिन सभी को फ्रॉड में फंसाना, सभी से पैसे लूटना। हेलो हेलो हेलो, यस सर। सर ये पासबुक मिल नहीं रही, फोन पे हो सकता है क्या? फोन पे गूगल पे हो जाएगा? फोन पे गूगल पे? जी सर, देख लीजिए सर, अगर हो जाए तो। पासबुक ऐसे नहीं आता सर, सॉरी सर। पासबुक सर मिल नहीं रही, सॉरी सर, नहीं होगा सर ऐसे। सर करवा दीजिए। सर बोलिए। हेलो सर, सर बोले, करवा दीजिए सर, बहुत गरीब आदमी है, भला हो जाएगा आपका भी। हेलो सर, मैं सर आपको ना सर राणा प्रताप सिंह का नंबर सेंड कर रहा हूँ, बड़े ऑफिसर का, ठीक है, जी आप उससे बात कर लें सर, ठीक है, उससे बात कर लें, आपको कैश करवा दिया। सर करवा दीजिए, आप भी ले लेना थोड़ा बहुत उसमें। सर हम नहीं लेंगे, ठीक है, हम नहीं लेना, हमको लेने की जरूरत है, ठीक है, जी। मैं आपको नंबर सेंड कर रहा हूँ बड़े ऑफिसर का, आप उस पर कॉल लगाए और अपना पैसे कैश करें, उनसे बात करें, मुझसे नहीं बात करें, ठीक है। सर बहुत मेहरबानी होगी, थोड़ा सा हमारा काम करवा दीजिए, बहुत गरीब आदमी है। सर मैंने जो आपको बोला है ना सर, मैं नंबर सेंड कर रहा हूँ, उससे वीडियो कॉल करें, ऑडियो कॉल करें, किसी बात का टेंशन दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, आप उससे बात करें, मेरे से बात नहीं करें ऐसे। जी जी भेज दीजिए, जो भी बंदा था वो खुद बात कर रहा था, देख सकते हैं ये व्हाट्सएप पे दिलीप सिंह राणा लिख के आ रहा नीचे, बैंक मैनेजर। तो गाइस फिर से मुझे दे रहा है नंबर दूसरा, गाइस जो दूसरा नंबर दिया इसने वो लग नहीं रहा है, चलिए इसके पास फिर से कॉल करते हैं और फिर से पूछते हैं कि क्या बताता है ये। हेलो, यस सर बोलिए। सर वो नंबर नहीं लगा, ये तो अभी आप सर व्हाट्सएप नंबर लगेगा, व्हाट्सएप में ऐड करें, व्हाट्सएप से कॉल लगाएं आप उसका। अच्छा ऐसे नहीं लगेगा, यस सर। ओके, अभी उसने दूसरा नंबर दिया उस पर भी कॉल करेंगे, देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर लगेगा, वैसा लग नहीं रहा था, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल पक्का साबित कराने के लिए ऑफिस में बैठ के दूसरे किसी भी फोटो अपलोड कर देते हैं जिसमें यकीन हो जाए बैंक मैनेजर बात कर रहा है। चलिए लगाते हैं इसको भी कॉल। मेरा अकाउंट नहीं है सर, अकाउंट है लेकिन उसकी पासबुक पासबुक नहीं मिल रही, पासबुक नहीं मिल रही, तो इसका जी अगर लिमिट कम हुआ तो फिर क्या करेंगे? कैसे सर वो पता नहीं ना इतना इसके बारे में। चले आप फोन पे भेजो, मैं चेक करता हूँ। अच्छा। फोन पे भेजो, फोन पे नंबर भेजो। ठीक है सर, भेज रहा हूँ। गाइस इतना बड़ा अमाउंट फोन पे पर आएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी लिमिट ही नहीं होती, बैंक अकाउंट पे आ सकता है, देख सकते हैं गाइस फोन पे पे भी सेंड करने के लिए तैयार है। चलिए एक बार फिर से लगाते हैं कॉल। फोन पे पर 25 लाख रुपए,
इम्पॉसिबल। चलिए करते हैं फिर से कॉल। तो गाइस उस फ्रॉड का फिर से फ़ोन आया है मेरे पास कि सर आप फोन पे भी ले सकते हैं। तो गाइस उसको नाम और हमने अपने फ़ोन पे मोबाइल नंबर दिया था, तो देख सकते हैं गाइस इस तरह से उसने कुछ बना दिया है पूरा। यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर और यहाँ पर ये दिखा दिया है। तो चलिए एक बार फिर से कॉल लगाते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। अभी पैसे की डिमांड करेगा, ये पैसा मांगेगा अब। चलिए हेलो। हेलो सर। जी सर। हाँ सर बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? सर अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, क्या अकाउंट में पैसा डाल दिया गया है क्या? जी जी मैंने आपको मैसेज तो किया, उस पे मेरा अकाउंट तो नहीं लिखा हुआ। क्या मेरा अकाउंट लिखा हुआ है, आपने देखा उसपे? उसमें तो सर मेरा नाम लिखा है। हेलो। तो फिर आपका नाम लिखा तो आपके अकाउंट में डाला है। सिर्फ आपके दिमाग को सोच रहा हूँ कि भाई गूगल पे आप किसी को नहीं भेजते कभी। गूगल पे किस तरह से सेंड होता है? सेंड हो गया, सक्सेसफुल हो गया है। आपको जब बोला है कि आपको 16,000 पे टैक्स लगा हुआ है, टैक्स भरेंगे आपके गूगल पे में पैसा ओपन हो जाएगा। आप जब टैक्स नहीं भरेंगे तो मैं कैसे ओपन करूँ, बताए मुझे? वो सर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना सर, इसके लिए मुझे पता नहीं इसके बारे में ज्यादा। मेरे भाई 16,000 पे टैक्स आपको भरना पड़ेगा। 16,000 पे टैक्स भरोगे, भरने के बाद आपके गूगल पे में पैसा दिखाई देगा। आप लोगों को भेज सकते हो, जिसको भी भेजना चाहो। तो गूगल पे से निकालोगे तो आपके अकाउंट से गूगल पे से आप निकाल सकते हो। तो समझ में आ रहा है या नहीं सर? सर समझ में आ रहा है। ये पैसा सर कब तक आ जाएगा? हेलो। एक मिनट के अंदर आएगा। जैसे ही आप टैक्स भरोगे ना, 1 मिनट के अंदर अपना पैसा आप निकाल सकते हो। ओके सर, इतना तो पैसा मेरे पास है नहीं भी, 16,000 बहुत ज्यादा है। कितना हो सकता है आपके पास? गूगल पे में कितना पड़ा है सर? आप उसमें से ले लो ना, काट लो ना उसमें से। उसमें से सर काट लीजिए। मेरे भाई उसमें से नहीं कटेगा। अगर आपको लॉटरी नहीं चाहिए, आप कॉल बंद कर दें। हम आपके साथ फालतू बात नहीं करने के लिए बैठे कि आप जो हमें फालतू बातें सुना रहे हो। नहीं सर, आपका जो प्रोसेस है वो मैंने आपको गाइड कर दिया। अगर आपको लॉटरी नहीं क्लियर करवाना, वेल एंड गुड, आई विल क्लोज योर फाइल, आई विल सस्पेंड फाइल। हम आपका लॉटरी बंद करके हेड ऑफिस में सेंड कर देते हैं। अगर आपका लॉटरी रियल में है, हमें आपसे मजाक करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको लॉटरी नहीं चाहिए, लॉटरी आई विल क्लोज, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ओके अरे सर चाहिए क्यों नहीं, इतनी मुश्किल से लॉटरी लगती नहीं, जल्दी लगी तो सर दे दीजिए, ऐसा मत करिए। मेरे भाई जल्दी क्या, आप पहले के 10 बार लॉटरी खेल चुके हो जो आपको मिल गया है, आप ऐसी बातें कर रही हो? नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी किसी को लॉटरी लगती नहीं है, मेरे नसीब की बात है, लग गई तो सर ऐसा मत करिए आप। मुझे नहीं पता आपके नसीब की बात है या किसके नसीब की है, बट आपको 16,000 पे टैक्स आ रहा है। आप कितना जमा कर सकते हैं आप बता दें सर, मैं इतना कर सकता हूँ, बाकी आप आने के बाद करते। समझ में आ रहा है सर? जी जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, मेरे बिल्कुल समझ में आ रहा है। अभी आप कितना जमा कर सकते हैं सर, मुझे बता दें कि सर मैं इतना जमा कर सकता हूँ। सर अभी तो अकाउंट में मेरे 500 रुपए हैं सर। 500 रुपए से कुछ भी नहीं होगा सर, हम आपको अपने जब लॉटरी आएगी सर आपको भी पैसा दे देंगे, थोड़ा बहुत करवा दीजिए आप। आई एम सॉरी सर, ऐसे नहीं होता। मैंने आपको अपना वीडियो भेज दिया है, मेरे हाथ में आपका पैसा है, आप वीडियो देख लो, मैंने अपने ऑफिस का भेज दिया है। आगे सर आपकी मर्जी है। ओके करवा देंगे सर, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, गरीब की दुआ लग जाएगी सर। उसके बाद उसने फिर से 2 वीडियो भेजा बिल्कुल पक्का प्रूफ करने के लिए कि कस्टमर बिल्कुल फंसी जाए। देख सकते हैं ये वीडियो है। पुराना प्रताप सिंह, ये आपका कैश है पूरा 25 लाख रुपए का बंडल है, ठीक है? अपना टैक्स भरो और भर के अपना लौट। इसमें फंस जाते हैं बेचारे बहुत से मासूम भोले लोग, कुछ लोग अपनी जान भी दे देते हैं। जिसके अकाउंट से पैसा जाएगा तो उसको बुरा तो लगेगा, कुछ ना कुछ कर लेता है इंसान ऐसा करके। देख और ये देख सकते हैं। नमस्ते, ये देख लो मेरा ऑफिस है सर। अभी ये देखो आपका ये पैसा पड़ा हुआ है, आप जाया मत करो प्लीज सर।
ये चेक कर रहे हो, ये आपका पैसा है, ये मेरा ऑफिस है, ठीक है, मैं राणा सर हूँ और आपके खाते में पैसा डाल रहा हूँ, ये आप लोगों का फाइल पड़ा है, तो आप प्लीज जाया मत करो लॉटरी अपना प्लीज सर, ओके। ये देख सकते हैं, तो गाइस ऐसे वीडियो भेज कर ये प्रूव करते हैं कि हम बिल्कुल अपने ऑफिस ही से बोल रहे हैं, लेकिन इनका कुछ ऑफिस ऑफिस नहीं होता है, ये दूसरी जगह का वीडियो बनाते हैं, पैसा भी नकली वकली रहता है, असली भी दिखा देंगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी यकीन ना करें तो इस तरह से फंसाते हैं गाइस। फिर से मैं इसके पास कॉल करता हूँ एक बार। हेलो, हाँ सर बोलिए। अच्छा ये बताइए कि कितने लोग की लॉटरी लग जाती है, कितने लोग की लॉटरी लग जाती है एक दिन में? मेरा भाई आपके पास मैसेज आ चुका है और कितनी बार बताऊं आपको? नहीं नहीं ये मुझे पता है जो आप कर रहे हो, ये सब मुझे पता है, मैं भी करना चाहता हूँ। तो गाइज आप लोगों ने देखा किस तरह से ये बेवकूफ बनाते हैं, बहुत ही होशियार रहे, इससे बच कर रहे। हमने काफी देर तक उसको, कई घंटों तक बहलाया अपनी बातों में, वो सोच रहा था शायद कि ये फंस चुका है और ये कर देगा ट्रांसफर। अनजान बर्कन बनकर हमने बहुत ज्यादा उससे बात की, फिर आखिरी में हमने उससे पूछा बताई करी, हमने उसको बताया कि तुम लोग फ्रॉड हो सब कुछ हो, तो गाली गलौज बहुत ज्यादा हुई, वो हम इसमें नहीं डाल सकते, अच्छा नहीं लगता गाली गलौज। तो गाइस किसी भी मोबाइल नंबर पे आए आप उसको गाली गलौज करके फोन काट सकते हैं, उसको माँ बहन कर दें एक, जो भी करना है उसके साथ। तो गाइस ऐसे बहुत सारे फ्रॉड करते हैं, किसी के गरीब का भी पैसा लूट लेते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं फंसते हैं इससे, बेचारे गरीब लोग फंस जाते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे, इसमें पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं कुछ इस तरह से। ये लोग डिटेल बना के भेजते हैं सब, पूरा कंप्यूटर से एडिट करके सब कुछ, अकाउंट नंबर भी देखो अभी हमने भेजा था फोन पे का मोबाइल नंबर, उस पर एडिट करके पूरा डिटेल दिखा दिया कि आपके अकाउंट में आ जाएगा, आप 16,000 ट्रांसफर करोगे इधर तुम्हारे अकाउंट में तुरंत आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रॉड बनाते हैं गाइस, तो इससे दूर रहे बच्चे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।